देश भर के अस्पतालों में इस समय स्ट्राइक चल रहा है और खास करके सरकारी अस्पतालों की स्थिति यह है कि यहाँ पर जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो लगातार अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। प्रोटेस्ट मार्च चल रहा है, कैंडल लाइट मार्च चल रहा है जगह जगह पर। आप ये देखिए कि लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की तस्वीरें यहाँ पर, बहुत सारे बड़ी संख्या में डॉक्टर यहाँ पर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं क्योंकि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की डिमांड की जा रही है डॉक्टरों के जरिए। और इनका कहना है कि लंबे समय से इसकी डिमांड की जा रही है लेकिन सरकार की तरफ से सुनवाई नहीं हो रही है। बहुत लंबे समय से ये डिमांड चल रही है सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, क्योंकि डॉक्टरों के साथ में मारपीट की घटनाएं अक्सर सामने आती हैं और यही वजह है कि यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप लोग जब तक CPA की जो डिमांड कर रहे हैं, मेन वही डिमांड है आप लोगों की? CPA की डिमांड मेन है, इसके अलावा जब तक आजीकार की जो हमारी विक्टिम है उसको जस्टिस नहीं मिलता तब तक हम उन्हें सपोर्ट करते रहेंगे। अच्छा, जिस तरीके से घटना हुई पश्चिम बंगाल कोलकाता में, कई दिन हो गया, क्या लगता है कि इस पर एक्शन और भी तेजी से होना चाहिए था? बिल्कुल होना चाहिए, इतना प्रोटेस्ट के बाद ही ये केस CBI को गया है और फास्ट ट्रैक होने के लिए तो बहुत जरूरी है। और जैसे मैनेजमेंट ने इसको हैंडल किया वो बहुत ही गलत था, इनिशियली इसको सुसाइड की तरह दिखाना ये सब बहुत ही गलत था। ये देखें, आप लोगों का प्रोटेस्ट जारी रहेगा? जारी रहेगा, जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम जारी रखेंगे। अभी IMA की तरफ से भी ये कहा गया है कि वो लोग भी पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी हड़ताल में शामिल हो रहे हैं। जी हाँ, वो सब सारा फ्रेटर्निटी, पूरा देश नहीं पूरा विश्व हमारे साथ है। अभी न्यूयॉर्क से, ऑस्ट्रेलिया से, सिडनी से, इंग्लैंड से, हर जगह से सपोर्ट मिला। वी वांट जस्टिस, अंटिल द अंडर विक्टिम गेट जस्टिस वी विल कंटिन्यू प्रोटेस्टिंग। आप लोगों की डिमांड जारी रहेगी? बिल्कुल जारी रहेगी, जब तक हमारी न्याय नहीं पूरी की जाएगी तब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी और हमेशा जारी रहेगी। वर्क प्लेस, क्योंकि कोलकाता में जो मामला आया एक लेडी डॉक्टर के साथ में, वर्क प्लेस में कितनी ज़्यादा दिक्कत होती है? हमें बहुत दिक्कत होती है, ये हमारी नेसेसरी है, ये हमारी कोई डिमांड नहीं है कि हमें सिक्योरिटी चाहिए, ये नेसेसरी है, ये हमारा पहला घर है, हम अपने घर से यहाँ ज़्यादा होते हैं, हमें सेफ्टी चाहिए, गार्ड ज़्यादा चाहिए, रिश्तेदार यहाँ पे रिश्तेदार आके कुछ भी करके जाते हैं, कुछ भी बोल के जाते हैं, गार्ड्स नहीं है उनको रोकने के लिए। तो हम यहाँ पे काम करते हैं, हमें सिक्योरिटी चाहिए। सिक्योरिटी एक सबसे बड़ा मुद्दा है क्योंकि जो मरीज आते हैं, मरीजों के साथ में कुछ रिश्तेदार भी आते हैं, अक्सर मारपीट की घटनाएं होती है। और लेडी हार्डिंग जो मेडिकल कॉलेज है, बड़ा अस्पताल है केंद्र सरकार का, और यहाँ पर लगातार ये डिमांड की जा रही है कि सबसे बड़ी जो सुरक्षा की डिमांड है उस डिमांड को तुरंत पूरा किया जाए, तब तक ये इन लोगों की हड़ताल, इन लोगों का प्रदर्शन वो जारी रहेगा। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया।